Hey guys, Shannon here, back with another video. तो दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं आपको 15,000 रुपए की रेंज में ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो दोस्तों कई सारे ग्राफिक कार्ड लॉन्च हो रहे हैं, नए नए ग्राफिक कार्ड में मार्केट आ रहे हैं, एनवीडिया भी अपनी तरफ से तबाही मचा रहे हैं, एएमडी भी अपनी तरफ से तबाही मचा रहे हैं, लेकिन देखते हैं दोनों में से किसने ज्यादा आग लगाई हुई है, किसने कम आग लगाई हो, किसने नहीं लगाई हो, किसने लगाई हुई है। तो देखते हैं इसी वीडियो में अपन देखते हैं कि 15,000 में आपको कौन सा ग्राफिक कार्ड लेना चाहिए और मैं आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो शुरू करते हैं यार अपन इस वीडियो को। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, सबसे पहले आपको कौन कौन से ग्राफिक कार्ड अपन ने लिए हैं, कौन से नहीं लिए। तो सबसे पहले अपने पास है अपना नया GTX 1650 Super 14,300 रुपए में आने वाला, और फिर हमारे पास RX 580 4GB, ये हमारा 13,590 में गैलेक्स वेरिएंट। और अपने पास नए दो ग्राफिक कार्ड आए हैं जो इंडिया में अभी अभी लॉन्च हुए हैं, वो है RX 5500 XT 4GB वाला और 8GB वाला। ये चार पांच ग्राफिक कार्ड का अपन कंपैरिजन करेंगे और मैं आपको एंड में बताऊंगा कि इन दोनों की प्राइस क्या है अपनी RX 5500 वगैरह की, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या मार्केट में तबाही चल रही है क्या नहीं चल रही। तो सबसे पहले एक अपनी ग्राफिक कार्ड की बात कर लेते हैं 1650 सुपर की। तो ये ट्यूरिंग आर्किटेक्चर पर बेस्ड है दोस्तों, बहुत ही मतलब पास्कल आर्किटेक्चर चलता था पहले GTX वालों का, अब RTX वाले ग्राफिक कार्ड आने लग गए, लेकिन जो बजट सेगमेंट के ग्राफिक कार्ड है NVIDIA के, उनका नाम अभी भी GTX है, लेकिन आर्किटेक्चर उनका ट्यूरिंग है। तो दोस्तों ट्यूरिंग आर्किटेक्चर पे ये बेस्ड है, बेस क्लॉक इसकी 1530 मेगाहर्ट्ज़ मिल जाती है आपको, इसमें कोर काउंट 1280 कोर्स मिल जाते हैं आपको, मेमोरी 4GB GDDR6 मेमोरी मिल जाती है इसमें, मेमोरी स्पीड 12GBPS की अद्भुत मेमोरी स्पीड मिल जाती है आपको, मेमोरी इंटरफेस जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, मेमोरी बस 128 बिट की मिल जाती है इसमें, मेमोरी बैंडविड्थ आपको 192GBPS की मिल जाती है, पावर रिक्वायरमेंट बहुत कम है जैसे कि NVIDIA पुराने समय से करता है, पावर रिक्वायरमेंट कम देता है, 100W का पावर रिक्वायरमेंट इसका आपको मिल जाता है, मतलब आप अच्छा खासा छोटे मोटे PSU में भी इसको चला सकते हैं। RX 580 4GB की यहाँ पर बात करें तो बेहतरीन, अद्भुत और अविश्वसनीय इसमें चीज़ें डाल रखी हैं। क्लॉक स्पीड है इसकी 1257 मेगाहर्ट्ज़, जहाँ तक कि थोड़ी सी कम है GeForce वाले से, अपने GTX वाले 1650 सुपर से कम है इसकी कोर क्लॉक स्पीड। और बात करें कोर काउंट की तो कोर काउंट इसमें 2304 मिल जाते हैं, जो कि जस्ट डबल है 1650 सुपर से, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। मेमोरी इंटरफेस की बात करें तो इसमें मिल जाता है 256 बिट का मेमोरी इंटरफेस, जो कि डबल है 128 बिट से। और मेमोरी की बात करें तो 4GB GDDR5 मिल जाती है, उसमें थी GDDR6 इसमें है GDDR5। मेमोरी स्पीड इसमें 8GBPS की मिल जाती है आपको, मेमोरी बैंडविड्थ इसमें 256GBPS की मिल जाती है, पावर रिक्वायरमेंट इसमें थोड़ा ज़्यादा है, 185 watts का पावर रिक्वायरमेंट आपको इसमें मिल जाता है। जहाँ तक प्राइस बात करें दोनों की प्राइस की, तो 14,300 रुपये का आपका GTX 1650 सुपर आता है और RX 580 4GB आता है 13,590 रुपये का। दोस्तों दोनों की प्राइस के हिसाब से देखें तो RX 580 क्लियर विनर है यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों बेंचमार्क्स आपको ये साबित कर देंगे कि RX 580 और 1650 सुपर की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी मिलती जुलती है। कुछ गेम्स में 1650 ज़्यादा खेल जाता है और कुछ गेम्स में RX 580 ज़्यादा खेल जाता है। तो बात करते हैं अब अगले नए शहनशाहों के बारे में, ये अपना RX 5500 XT। तो दोस्तों 4GB वाले की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी कम बात करें ये 4GB वाले की, क्योंकि दोस्तों जो 4GB वाला है ना उतना खड़ा नहीं उतरा हमारी उम्मीदों पर, क्योंकि 4GB वाला RX 5500 जो है वो आ जाता है आपके 12,990 रुपये में, 13,000 की प्राइस रेंज है करीब करीब। लेकिन प्राइस रेंज के हिसाब से अपन देखा जाए तो परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी देख ले मिल जाती है। RX 580 के कंपैरिजन में इसकी परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छी, परफॉर्मेंस ऐसा मिल जाती है, बस इसमें एक चीज़ की कमी है कि 1650 से दोस्तों ये इतना कंपेयर कर नहीं पाता, थोड़ा थोड़ा रह जाता है बीच बीच में। अगर आप बात करें इसके 8GB वाले वेरियंट की, वो मिल जाता है आपको 14,990 रुपये का। और ये वेरिएंट मैं बताऊंगा आपको, ये 8GB वाला है जो है ये बेहतरीन है दोस्तों, मतलब आपको 1080p गेमिंग 60 तो छोड़ो 80-90 की FPS में करवा देगा, वो भी कॉन्स्टेंट दोस्तों, बहुत ही बकायदा बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड है। इसके मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ, क्लॉक स्पीड आपको मिल जाती है इसमें 1717 MHz की, 1717 MHz, कोर काउंट इसमें 1408 मिल जाए आपको, कोर 1408 मिलते हैं, मेमोरी इसमें 8GB की GDDR6 आप देख सकते हो, GDDR6 8GB की मेमोरी मिलती है, मेमोरी स्पीड इसमें 14GBPS तक की आपको मिल जाती है, मेमोरी इंटरफेस 128 बिट का, यहाँ पे थोड़ा रह गया, यहाँ पे लैग कर गया, वरना 4GB वाला वेरिएंट भी था जो इसका, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, 256 बिट का होता अगर ये मेमोरी इंटरफेस 128 बिट का मात्र। और मेमोरी बैंडविड्थ जो है 224GBPS की है, जो कि कम है हालांकि पुराने RX 580 से, लेकिन फिर भी अपन काम चला सकते हैं।
और बात करते हैं पावर रिक्वायरमेंट की। पावर रिक्वायरमेंट थोड़ा कम कर दिया यार इन्होंने, 130 वाट का पावर रिक्वायरमेंट कर दिया, मतलब आप छोटे पीएसयू में भी इसको चला सकते हैं। अब बात करते हैं बेंचमार्क की। तो बेंचमार्क देखने से आपको पता चल गया होगा क्लियर विनर तो अपना 8GB वाला है RX 5500, जो कि नया लॉन्च हुआ है। इन दोनों की प्राइस मैं बताऊं आपको, 4GB वाले की प्राइस है 12,990 रुपये, यानी कि करीब करीब 13,000 रुपये। अगर ये प्राइस अमेजोन पे इसी प्राइस का लॉन्च हुआ तो दोस्तों बहुत ही अच्छी डील होगी, और 8GB वाला 14,990 का, क्योंकि दोस्तों 8GB का VRAM वाला ग्राफिक कार्ड कोई नहीं है 15,000 से नीचे का। दोस्तों अगर ये लॉन्च हो गया तो दबाई आ जाएगी और आग लगा देगा मार्केट में, और ये सबसे अच्छा ग्राफिक कार्ड अपना माना जाएगा। दोस्तों यही थी अपनी वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक मार देना यार और सब्सक्राइब मार देना चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मनोरंजक अवश्यनीय और ख़तरनाक वीडियो लाता रहता हूँ। और सब्सक्राइब जो नीचे लाल वाला बटन है और दबा दो यार, बस चलते हैं।